हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ एचआरएम की। एचआरएम के काफ़ी टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, तो ये भी एक टॉपिक है एचआरएम का जिसमें हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की, किस तरीके से जो हमारा डिफरेंट एनवायरमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है एचआरएम को। जैसा कि आपको पता है कि बिज़नेस में बहुत अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट होते हैं जिस एनवायरमेंट में बिज़नेस डील कर रहा होता है। आइदर ये इंटरनल एनवायरमेंट हो सकता है बिज़नेस का या फिर ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो सकता है बिज़नेस का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एचआरएम पे इन दोनों ही एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला जो आपका है कंसिडरेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ये रैपिड चेंज होती है। आजकल के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली चेंज हो रही है एंड इनोवेशन की वजह से ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले हमें पता है कि पहले एक टाइम पे हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते थे वो मैनुअल करते थे, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल होता था। तो जब मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन करते थे तो एचआरएम में हमें ज़्यादातर लोगों को रिक्रूट करना पड़ता था, रिक्रूटमेंट इंक्रीज़ होती थी इसकी वजह से, क्योंकि हमें मैनुअली काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ता था। उसके बाद टाइम आया कंप्यूटराइजेशन का, जब हमने स्टार्ट कर दिया कंप्यूटराइजेशन करना चीज़ों को। तो जब हमने कंप्यूटराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे इसकी वजह से रिक्रूटमेंट जो थी वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को पहले मैन्युअली काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व हो रहा था। अब कंप्यूटराइज करने पे जो काम पहले 10 लोग करते थे आज वो काम एक इंसान कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिक्रूटमेंट रिड्यूस हो गई। तो आप कह सकते हो कि एचआरएम की पॉलिसीज में या एचआरएम की नेचर में शिफ्ट आया है यहाँ पे। अब आज के टाइम पे क्या है कि रोबोट्स का हो रहा है, रोबोट्स को लोग मतलब बेसिकली रोबोट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा काम कर रहा है। तो अब क्या था, पहले जो हमें 1% को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती थी, अब हमें 0% को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ी है। तो क्या है, एचआरएम की जो आपकी एचआरएम की थिंकिंग है या जो एचआरएम का आप कॉन्टेक्स्ट है आप कह सकते हो, वो डे बाय डे वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से एचआरएम पे इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसको इन्फ्लुएंस को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, ये दोनों डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की या किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं। आपको पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड में हमने देखा था कि 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ था और उस रिसेशन की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी, बहुत लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया गया था। तो हम क्या कहते हैं, मतलब हम क्या समझ सकते हैं सिचुएशन के साथ, कि जब रिसेशन आता है तो एचआरएम क्या हो जाता है, फायरिंग कंसर्न हो जाता है, वो फायर करने लगता है लोगों को और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ले ऑफ होते हैं। तो ये ले ऑफ या फायरिंग क्या है, ये ले ऑफ या फायरिंग एक तरीके से आपके एचआरएम पे इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक फैक्टर्स का, उन इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे डिपेंड है। देन आपका नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेसिकली ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की यूनियंस होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा बनाई जाती हैं और जो प्रेशराइज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को, कि हमें चीज़ों को चेंज करना है, हमें चीज़ों को शिफ्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक पर्टिकुलर जॉब का एक मेथड डिफाइन किया है, ठीक है, आपने बोला है कि ये जॉब सिर्फ इन मेथड्स से हो सकती है और इन मेथड्स में मैनुअली वर्क इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, ठीक है, रिस्क हाई है, बट आपके जो एम्प्लॉय यूनियन है, जो आपका ट्रेड यूनियन है, वो बोल रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो रिस्क वाले काम नहीं करेंगे, आपको ये मेथड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, ये हाथ से काम नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, आपको मेथड में चेंज करना पड़ा। हो सकता है कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई हो, जब हमने मैकेनिकल चीज़ें लगाई वहाँ पे तो हो सकता है उसकी वजह से कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई हो। तो इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इस तरह का जो एक बार्गेनिंग क्रिएट होता है, ये क्रिएट करता है ट्रेड यूनियन या फिर आपके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका लेबर मार्केट। लेबर मार्केट इज बेसिकली एक मतलब लेबर मार्केट एक सिचुएशन है जहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं, जहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। लेबर मार्केट बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर मतलब सिनेरियो को जिसमें सारे ही आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का एक
पूल कह सकते हैं आप कि एक पूल है लेबर मार्केट, या जहाँ से आप लेबर को अपॉइंट कर रहे हो, जहाँ से आप लेबर्स को ले रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि आपके लेबर मार्केट में यहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत हाई है लेबर्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी प्राइस होगी, जो उनका वेजेस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो सैलरी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी वेजेस जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिमांड अगर कम है, मतलब डिमांड अगर लोग कम हैं और डिमांड ज़्यादा है, वेजेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। लोग ज़्यादा हैं, डिमांड कम है, वेजेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जॉब के लिए, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी जो होती है वो बहुत हाई होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी पर्सन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस फील्ड में बहुत कम लोग हैं, तो इस वजह से लेबर मार्केट का जो फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके एचआरएम को। देन आपका नेक्स्ट है चेंजिंग डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका मैनेजमेंट है, उसकी अगर डिमांड चेंज हो रही है टाइम बाय टाइम, मतलब उसको कभी ऐसा लग रहा है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी हायरिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर को लग रहा है कि नहीं अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें उसको रिड्यूस करना है, हमें एम्प्लॉयज़ को निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फायरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स होती है, जो कि आपका एक इंटरनल एनवायरमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके एचआरएम को। तो अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स देखते हो, जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको फोकस करो तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा उनका रिलेशनशिप है एचआरएम के साथ, और इसीलिए वो रिलेशनशिप की वजह से ही वो इम्पैक्ट करता है एचआरएम के फंक्शंस को, या एचआरएम के वेज वेज ऑफ परफॉर्मेंस को। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक एकदम क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।